दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2021 के बारे में। जो आपका कॉमन क्वेरी आ रही है और आपके इश्यू आ रहा है कि सर रिजेक्टेड फॉर्म है वो अपडेट कब तक होगा, जैसा कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्ट और रिजेक्शन का स्टेटस है वो शो कर दिया गया है, तो वो कब तक अपडेट होगा, हम किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो दोस्तों आपके जो भी डाउट है उनका सभी का आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एक तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, मैं कौन सी जगह पे कौन सा पार्ट आपको बता देता हूँ तो वो आप देखते नहीं हैं, फिर आपके वो डाउट वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपका थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपके जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपका जो रिजेक्टेड फॉर्म है वो अपडेट कब तक होगा, तो डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने अपना फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है और उसको अपडेट नहीं किया है तो वो भी अपडेट कर लें, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, और अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करते हैं अपने फाइनल स्टेटस को चेक करने के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का आता है, और आपको यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ रहता है। योर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड ड्यू टू यू आर अलाउड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द कैंडिडेट इंटरेस्ट। तो ये वाला कुछ ऐसा रहता है। और जो कॉमन इशू है आपका सभी का, लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थी को ये है कि एग्जामिनेशन सिटी में, जो एम्स के द्वारा एग्जामिनेशन सिटी का प्रेफरेंस दिया गया था, तो उसमें आपको अपनी जो सिटी प्रेफरेंस थी वो फिल करनी थी। काफ़ी सारे बच्चों ने फिल नहीं किया, तो 95% बच्चों का जो इश्यू था वो बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड था कि आपको सिटी चॉइस है वो आपको सही से फिल करनी है। कुछ बच्चों ने सही फिल नहीं की, दो ऑप्शन फिल किए, तीन ऑप्शन फिल किए, फोर्थ ऑप्शन उसको खाली छोड़ दिया, तो इस वजह से आपको ये रिजेक्शन वाला एरर शो कर रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इसमें ये एग्जामिनेशन सिटी वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा सेम इसी तरीके से, एग्जामिनेशन सिटी का न्यू, तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी जो सिटी चॉइस है उसको अच्छे से फिल करना है दोस्तों। तो आप जैसे ही एग्जामिनेशन सिटी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चूज स्टेट वन, आपको एक स्टेट चूज करना अपनी सिटी प्रेफरेंस, और सेकेंड स्टेट है उस सेकेंड प्रेफरेंस है। आप इसमें स्टेट कोई एक स्टेट से अगर दो तीन सिटी है तो वो भी आप एक स्टेट के दो तीन है वो भी फिल कर सकते हैं इन तीनों में। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फोर, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें एनी अदर सिटी ही फिल हुआ, एनी अदर सिटी फिल करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आपको जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके जो सारे के सारे ये ऑप्शन हैं ये फिल होके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये फिल होने के बाद में भी आपका एक इशू आ रहा है कि आपने जैसे ही सेव एंड प्रोसीड किया ये सारे फिल करने के बाद में, फिर नीचे वाला जो है ये एम्प्टी आ रहा है, या ये फिर से भरने के लिए बोल रहा है, ये सेलेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा है। तो उसमें दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपडेट हो जाएगा। आपने सारी की सारी ये जो सिटी प्रेफरेंस वाले ऑप्शन है इनमें अगर फिल कर दिया है सही से, तो आपका फॉर्म है वो सेव एंड प्रोसीड होने के बाद में ये अपडेट हो जाएगा। तो ये आपके वापस आता है जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है ये आपका एम्प्टी आता है, या कुछ अभ्यर्थियों की ये पूरे पूरे ही एम्प्टी आते खाली आते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आपने जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर दिया तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। ये एम्स की वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिच है, तो इस वजह से आपको ये वापस से यही शो करता है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, तो ये आपका हो चुका है। अब ये अपडेट कब तक होगा दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 24 to 48 hours का ये इसकी मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है अपडेट होने की, और जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो है आपकी 9 जून तक। तो ये 9 जून तक आपका अपडेट हो जाएगा, और हो सकता है कि जैसे हॉलीडेज ये आते हैं तो 9 जून के बाद में 10 या 11 जून को भी आपका अपडेट हो जाए। तो आपका ये अपडेट हो जाएगा अगर आपने सही फिल की है सारी की सारी सिटी चॉइस, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए तो आपका अपडेट हो जाएगा। और आपको जो रिजेक्शन वाला एरर शो कर रहा है वो एरर आपको अभी वैसा का वैसा ही शो करेगा, लेकिन जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद में ये आपका एरर है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ पे। तो अब बाकी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये आ रहा है कि सर हमने ये सिटी चॉइस फिल कर दिया है फिर भी हमारे वो रिजेक्शन वाला एरर आ रहा है, तो दोस्तों वो जब तक अपडेट नहीं होगा, ये वाला अपडेट नहीं होगा तब तक आपके वो एरर शो करेगा। और वो अपडेट है वो 9 जून तक, उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन उससे पहले भी हो सकता है या उसके एक दो दिन बाद में भी हो सकता है दोस्तों।
तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। तो ये आपके एक डाउट आ रहा था, और कुछ अब बच्चों को ये भी था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों वो आपको चेक करना होगा अपनी डिटेल्स, वो लॉगिन करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी इसकी अपडेट दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी इसकी अपडेट दे दूंगा कि अब आप चेक कर सकते हैं आपका एक्सेप्ट या रिजेक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपका अपडेट हो चुका है। तो मैं इंस्टा या टेलीग्राम पर उसकी अपडेट दे दूंगा, तो या उसको वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट होकर रहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर देता रहता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो जुड़ते हैं लेकिन फिर बाद में वो वापस से इंस्टा पे जैसे फॉलो किया अनफॉलो कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप चाहे सारे के सारे अनफॉलो कीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप नहीं ले पाते हैं। तो आप वहाँ से कनेक्ट रहिए, जिससे कि कंटिन्यू जो भी कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये आपके डाउट था। अगर आप सही चॉइस फील करेंगे और सही चीज़ें फील करेंगे और फिर बाद में सेवेंट प्रोसीड करेंगे, तो दोस्तों आपका कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये बात होगी दोस्तों आपका जो इश्यू था उसके रिगार्डिंग। और अब मैं बात करता हूँ आपके स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। तो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको बता रखा है कि आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100% आपको कैसे भी फॉलो करने हैं। और इसके साथ में दोस्तों आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें आपको चैप्टर वाइज कितने एमसीक्यू बन सकते हैं और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो अगर आप ये दो चीज़ें फॉलो करते हैं दोस्तों, तो 100% मेरी तरफ से गारंटी है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन है वो एम्स में हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं उन्होंने रिवीजन कर लिया, अब जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो बहुत से बच्चे हैं वो केयरलेस हो चुके हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब तो एग्जाम है वो काफ़ी आगे होगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो नोटिस है वो जारी नहीं किया गया है, तो उनकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो अभी भी 27 जून ही है। अभी भी उनकी एग्जाम डेट वो 27 जून ही है। तो हो सकता है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया हो, या मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए, इससे ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आपको 1 वीक का भी, अगर 7 डेज का भी आपको टाइम मिला है, तो आप उसका सही से यूटिलाइज़ कीजिए। इन 7 डेज में आप अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। आप अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसे आप रिवाइज कीजिए बार बार में। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बना के अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, वो आपके चाहे से ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, एनसीईआरटी हो, और आपके जो जीके का है जो बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है जीके की बुक है दोस्तों, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है। अब आप किस तरीके से इनको परचेज कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपको लगानी है, तो ये आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 11th और 12th की कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। इसमें आपको 99 रुपीज़ मात्र पे करने हैं, और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसमें आप अपनी ईमेल आईडी, अपने नाम और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, और पेमेंट करने के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही आप वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपने ईमेल आईडी दी है वहाँ पे भी आपको एक डाउनलोड फाइल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई केमिस्ट्री की। इसी तरीके से मैंने फिजिक्स की, बायोलॉजी की भी बना रखी है। और अगर आप अन्य स्टडी मटेरियल जैसे जीके की बुक है, आप जीके की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप जीके की भी देख सकते हैं। तो और बाकी अदर स्टडी मटेरियल देखना दोस्तों आपको व्यू स्टोर पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही व्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो जितना भी स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पे लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है। तो जैसे आप अगर आपको 3-in-1 बुक परचेज करनी, एनसीईआरटी 11th 12th बेस्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है ये बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की, आप अलग अलग परचेज नहीं करना चाहते दोस्तों, आप ये 3-in-1 बुक है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही ये जनरल नॉलेज की है, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है दोस्तों और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो दोस्तों ये स्टडी मटेरियल आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और यहाँ पे अदर जो आपकी एनसीईआरटी है वो है फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, ये देख सकते हैं। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर, तो यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने सेपरेट सेपरेट लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जैसे फिजिक्स का हो गया 30 ईयर्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये केमिस्ट्री के हो गए, यहाँ पे ये बायोलॉजी के हो गए दोस्तों। तो ये हिंदी और इंग्लिश आपको, ये पैरामेडिकल का भी है और यहाँ पे ये नर्सिंग का भी दे रखा दोस्तों, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का है।
तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको परचेज कर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। इस चक्कर में ना रहें कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, काफ़ी टाइम मिल जाएगा, तो दोस्तों इस टाइम का आपको यूटिलाइज करना है। जो बच्चा इस समय में अच्छे से पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। और जो बच्चे हैं ये लेके बैठे कि सर अब आगे भी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, तो इस टाइम का सही से यूटिलाइज कीजिए, अपना सिलेक्शन कन्फर्म कीजिए। काफ़ी बच्चे हैं जो 2 से 3 बार भी रिवाइज कर चुके हैं, तो वो आप सोच सकते हैं कि वो आपसे कितना आगे खड़े हैं। अगर वो कोई भी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करते हैं तो उनमें उनके कंप्लीट नंबर आते हैं। जैसे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज अगर वो लगाते हैं तो 30 क्वेश्चन में उनके 28-29 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर 30 में से 28-29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, तो आप सोच सकते हो कि अब आप कहाँ पे हो और वो कहाँ पे है। तो सिलेक्शन किनको मिलेगा? बुक सबके पास होती है दोस्तों, लेकिन उनको रीड करना, उन्हें बार बार समझना, कंसेप्ट को समझना और उनका रिविजन करना जो बच्चा करता है, तो उसका ही सिलेक्शन होता है दोस्तों। इस कंपिटिशन की दौड़ में दोस्तों जो अच्छे से स्टडी करता है स्मार्टनेस के साथ में, तो वो ही सिलेक्शन ले पाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।